Hello everyone. Let's start 2018 paper discussion. और आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स विथ यू ऑल. पहली चीज तो ये है कि प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट है इस पूरे जो सीरीज की, वो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन जो वीडियो के नीचे है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. उसमें लाइन से आपको ये सारा, ये जो सीरीज के सारे लेक्चर्स हैं वो लाइन से मिल जाएंगे, ओवरव्यू से लेके 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, उसके बाद 19 और 20 उसमें मैं अगले लेक्चर में डाल दूंगा. ठीक है, तो एक तो चीज ये है कि कमेंट सेक्शन में भी पहला जो कमेंट होगा उसको पिन करके हम डाल देंगे ताकि आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं. अगर वहां से नहीं, अगर हो समझ में आता है तो आप डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें, डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को हम शेयर करेंगे. ठीक है, पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ. कुछ बच्चों का थोड़ा सा मैंने फीडबैक पढ़ा था तो कुछ लोग कह रहे कि 50-50 वाला क्वेश्चन जो है, जैसे अब मैं ये रेकमेंड करता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट टू ऑप्शंस देन यू शुड गो और यू मस्ट गो फॉर दैट क्वेश्चन, यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. ठीक है, ये देखो ये मेरा पर्सनल वो है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक सम काइंड ऑफ प्रिंसिपल विच यू आर बाउंड टू फॉलो. ठीक है, कोई प्रिंसिपल नहीं है. अमूमन ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूं. इट्स नॉट लाइक कि ग्रेविटेशनल लॉ कोई नहीं है, कोई प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है. ठीक है, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस और ये प्रूवन एक्सपीरियंस है, तो डेट्स वाई आई हैव सम काइंड ऑफ अथॉरिटी टू से कि भाई ऐसा चल जाता है. और जैसे मेरा ये था, माई एक्सपीरियंस वॉज डैट कि आई ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट 85+ क्वेश्चंस. ठीक है, और यूपीएससी में देखो क्या होता है कि जनरली आपको लगभग 30 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं. ठीक है, 30 क्वेश्चन ही जनरली आप देखोगे कि 30 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको एकदम 100% आते हैं. ठीक है, और या मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन 100% एकदम श्योरिटी है कि भाई यही है इसका जवाब, एकदम पढ़ा हुआ है, एकदम एग्जैक्ट पढ़ा हुआ है. बाकी के 30 क्वेश्चन के अलावा, ठीक है, 30 क्वेश्चन के अलावा लगभग जो बाकी के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो कहीं कहीं पर आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50% वाले आप अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, या कहीं कहीं पर आपका थोड़ा बहुत लक है, इंट्यूशन है या कुछ और ऐसी चीजें हैं, या वाइडर रीडिंग ऑफ योर वॉट एवर यू हैव स्टडीड विच इज इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है, तो वहां से आप उसको अटेम्प्ट करते हैं. तो दैट्स वाई आई ऑलवेज एडवाइस कि भाई अगर 50-50 है, देखो हमेशा एक चीज याद रखो, लेट्स एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स में. पहले तो ये है कि फर्स्ट गो में आप जिसमें 100% श्योर है वो सारे क्वेश्चंस कर डालिए, और जिसमें 50-50% श्योर है, ठीक है, उसमें सिंगल स्टार या डबल स्टार लगा दीजिए, और जिसमें 33% श्योर है उसमें सिंगल स्टार लगाते हुए जाइए, या जो भी आपकी मार्किंग है. ठीक है, सारा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो 100% श्योर है वो पूरा अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आइए, फिर उसके बाद आइए, जस्ट काउंट योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट. ठीक है, अगर आपने देखा कि 100% श्योरिटी वाले 30 क्वेश्चन ही है, इसका मतलब यह है कि कम से कम यू हैव टू पुश योर लक. ठीक है, आपको अपना थोड़ा सा लक पुश करने की जरूरत है, आपको कम से कम 40-45 क्वेश्चन और लगभग करने. ठीक है, उसके बेसिस पे आप प्लान कर सकते हैं कि कितने 50-50 क्वेश्चंस आप 50-50% वाले प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. फिर उसके बाद फिर से एक बार काउंट कर लीजिए, देखिए कि भाई अच्छा ठीक है, आपका जो अटेम्प्ट है वो अभी 70 या 75 क्वेश्चन हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन. फिर अगर आपको लगता है कि नहीं 85+ मुझे अटेम्प्ट करना है, तो उसके बाद जिसमें 33% प्रोबेबिलिटी है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आप सेलेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकते. ठीक है, 25% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस तो छूने ही नहीं है, पहली चीज तो ये, जिसमें से चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं एलिमिनेट हो रहा है, सब कुछ बाउंसर है, वैसे क्वेश्चंस तो यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट इट, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50% वाले क्वेश्चंस,
एंड फ्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ 33% प्रोबेबिलिटी, जिसमें सिर्फ आप एक ही ऑप्शनल एलिमिनेट कर पाए हैं, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं, वो भी सेलेक्टिवली, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? ये मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस सही रहा है तो चल जाता है, ठीक है? पर इट्स ऑलवेज एक डिस्क्लेमर है, स्टैट्यूटरी वार्निंग है, हैंडल विथ कॉशन, ठीक है? अब गड़बड़ होगा तो फिर ये मत कहना कि मैंने मिसलीड कर दिया और ये सब कर दिया, ठीक है? कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है, कोई E=MC² वाला फॉर्मूला नहीं है कि विच इज यूनिवर्सल फॉर्मूला एंड इट इज एप्लीकेबल इन ऑल एंड एवरी सिचुएशन, दैट इज, इट इज रिलेटिव, इट इज सब्जेक्टिव, इट इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसिस, ठीक है? ऐसा, इट्स नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, ठीक है? ये कोई एम्पेरिकल एविडेंस पे आधारित नहीं है कि लेबोरेटरी में मैंने टेस्ट किया है, ठीक है? खैर, चलिए तो शुरुआत करते हैं 2018 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के डिस्कशन के बारे में, ठीक है? और एक और चीज बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स वाली बात कही थी, डॉक्यूमेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिसर्च पेपर जो है, PYQ का जो रिसर्च पेपर है, वो प्लस 2020 का जो पेपर का डिस्कशन है, ये दो चीजें विल ट्राई टू हैव, अभी फाइनलाइज नहीं किया मैंने, विल ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, वेरी नॉमिनल, ठीक है? द पर्पज ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन फी इज नॉट टू इंसेंटिवाइज दिस फ्री प्रोग्राम, बट द ओनली पर्पज इज कि भाई थोड़ा सा एक फिल्टर हो जाए कि जो भी सिंसियर कैंडिडेट है उन्हीं के हाथ में नोट्स लगे जो सीरियस हैं इसके बारे में, इधर उधर सबके हाथ में ना लगे, फिर इधर उधर वो सर्कुलेट होता रहे बेकार में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो सच में डिजर्व करते हैं, दोज स्टूडेंट शुड हैव राइट ऑन दीज मटेरियल, दीज वैल्यू एडेड मटेरियल्स, ठीक है? एनीवेज, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है? ये दोनों कैसे अलग है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, वेयर एज CPCB हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है कि भाई पहला तो चलो नहीं आ रहा है, चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस, अब देखो इसमें जस्टिस वर्ड आया, एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, वेयर एज CPCB प्रमोट्स क्लीनलीनेस of streams and wells and aims to improve quality of air in the country। अब देखो ये सारी चीजें, अभी दोनों सरकारी संस्थाएं हैं, both are government institutions, and everything written about this, these government institutions are in positive light। ऊपर से आप स्टेटमेंट देखोगे तो इसमें जस्टिस की बात की गई है, क्लीनलीनेस की बात की गई है, environmental protection की बात कही गई है, इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट सही है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका मतलब ए नहीं है, डी नहीं है। अब बचा बी, Yes, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया 50-50। अब यहां पर अपना लक आप खेल सकते हैं, या अभी पहले अटेम्प्ट, पहले फर्स्ट गो में अटेम्प्ट नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था, इसको अभी छोड़ देंगे, अभी गोला बना के एक सिंबल बना के छोड़ देंगे, ताकि जब वापस जब पेपर में आएंगे, लास्ट में आधा घंटा बचा होगा, तो वापस से जल्दी जल्दी दिख जाए, जब तक उसमें कुछ ना कुछ मार्किंग छोड़ के जानी है, नहीं तो फिर वो दिखेगा नहीं आप पीछे आओगे तो, ठीक है? तो अभी इसको छोड़ देंगे फर्स्ट गो में, फिर जब सारे अटेम्प्ट 100% वाले हो जाएंगे, देन वी हैव टू कम टू दिस क्वेश्चन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वी हैव ऑलरेडी मेड, विल ट्राई टू पुश आवर लक, विल ट्राई टू कैलिब्रेट कि हाउ मच टू व्हाट लेवल वी हैव टू पुश आवर लक, गेटिंग इट? तो ये है, ये तरीका है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Second, the validity of the law, अब चलो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। The validity of the law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment cannot be any court, no judgment can be made on it. See, can you see the language of this question? Everything, every word, the choice of the words, ठीक है, is very assertive in nature. कोई बात ऐसे बहुत ही वैसे फ्लेक्सिबल तरीके से, सब्जेक्टिव तरीके से नहीं कही गई है, ठीक है? तो यहां पर थोड़ा सा समझना होगा
तो इसलिए अगर आप देखोगे तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी असर्टिव इन नेचर, दैट दैट शुड बी रॉन्ग. तो दूसरा हो गया गलत, यानी कि बी और डी, बी और सी हट गए. अब बचेगा ए और डी. ए और डी में देखोगे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस पर्टिकुलर लॉ इन नाइन स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो यस, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरन, इट कैन मेक एनी लॉ, इट कैन मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देर इज नो बाउंडेशन, देर इज नो लिमिट ऑन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट कहीं भी कुछ भी चेंजेस कर सकती है, दैट इज श्योर शॉट ट्रू. ठीक है, कर सकती है. ठीक है, तो केशव नंदा भारती केस में ये बोला था. ठीक है, गोलकनाथ केस, फिर केशव नंदा भारती केस. केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट शुड नॉट इन्फ्रिंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में कोई भी बदलाव कर सकती है. अब वो बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये बाद में जुडिशरी डिसाइड करेगी. गेटिंग इट? तो ये है. अब आप देखोगे कि ये जो 2018 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हुआ है. 2019 में भी ऐसा ही क्वेश्चन इसी सेम थीम पे. ठीक है, 2019 में पूछा है कि फर्स्ट अमेंडमेंट, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो किसके समय में हुआ था. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया था. तो अगर आपने ये 2018 का थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क किया होता तो 2019 का भी कर ले जाते. ठीक है, तो ये है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years. द गवर्नमेंट डज नॉट इंपोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज अ स्पेशल केस. अभी इसमें सेकंड स्टेटमेंट देखिए, गवर्नमेंट डज नॉट इंपोज एनी ऑन ऑल द इंपोर्टेड ऑयल. तो ये जनरली गलत होगा, लैंग्वेज ऐसी है. तो सेकंड वाला गलत हो गया, आप पहला वाला देखते हैं. क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन. अब देखो इसमें क्वांटिटी एब्सोल्यूट नंबर की बात कही गई है. मैंने क्या बताया था, एब्सोल्यूट नंबर. अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो ये हमें आता, अगर न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होता तो ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे. लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, नहीं याद आ रहा है तो भी कर सकते. मैंने ये बताया था कि एब्सोल्यूट नंबर अगर कोई चीज होती है, इसमें कोई रेशियो परसेंटेज ये सब की बात नहीं कही गई है. एब्सोल्यूट नंबर में बात की जा रही है कि इंपोर्टेड ऑयल जो है उसकी जो क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट जो क्वांटिटी है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऑयल से ज्यादा है. ठीक है, अमूमन आप देखोगे एडिबल ऑयल इंडिया जो है अपने जितना भी एडिबल ऑयल कंज्यूम करता है उसका 70-80% इंपोर्ट करता है. सेम फ्यूल वाले ऑयल का भी वही केस है और एडिबल ऑयल का भी वही केस है, चाहे पाम ऑयल हो चाहे जो भी तेल हो, मोस्ट ऑफ द ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये वाली चीज है. तो एब्सोल्यूट नंबर है तो जनरली ये हो सकता है, तो ए विल बी आवर राइट आंसर. ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और एक बार खुद से सोचो कि इसमें क्या लगेगा, कौन सा फंडा लगेगा. ठीक है, तो इसमें फंडा लगेगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव का, गवर्नमेंट इनिशिएटिव का. इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाला फंडा लगेगा, प्लस सेकंड फंडा यह है कि थोड़ा बहुत अगर आपने विजिलेंस रखी होगी तो आधार पे ही लिखा रहता है इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. तो पहला तो हो गया, हट गया. ठीक है, अगर आधार कार्ड भी देखा होगा ध्यान से तो उसमें ये लिखा रहता है. तो हमेशा जो आसपास की चीजें, आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है, एनपीआर के बारे में आपको पता होना चाहिए, पैन कार्ड के बारे में आपको पढ़ लेना. ठीक है, फिर पैन कार्ड हो गया, आधार हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, फिर एक सिटीजनशिप वाला है, सिटीजनशिप उसका क्या नाम है, एनआरसी। तो ये पूरा पढ़ा होना चाहिए, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, पैन क्या है, आधार क्या है। इस बार ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीआर और एनआरसी के बीच में फर्क पता होना चाहिए, और आधार, एनपीआर, एनआरसी, इन तीनों के बीच में फर्क पता होना चाहिए, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। एनीवेज, तो आधार इज नॉट, फिर अब देखो, वंस इशूड आधार नंबर कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। तो ये क्या है, ये इस आधार की कमी है या अच्छाई है? कमी है बेसिकली, कि एक बार आधार इशू कर दिया तो उसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। मान लो कि मेरा आधार नंबर लीक हो जाए, या आप देखते होंगे कई बार फेक आधार भी बन जाता है, हनुमान जी के नाम पे आधार कार्ड बन गया है, तो हनुमान जी के नाम पे आधार कार्ड बन जाएगा, तो अभी हनुमान जी को तो मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जरूरत है नहीं, ही इज कैपेबल, ठीक है। सो फिर वो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। कई बार आप देखोगे किसी सेलिब्रिटी का आधार कार्ड नंबर लीक हो गया, महेंद्र सिंह धोनी या किसी, मतलब ऐसे बीच में न्यूज आई थी, तो उनका फिर डीएक्टिवेट करके दूसरा इशू करना पड़ेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये दैट विल बी सम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ आधार कार्ड, गेटिंग इट? तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन वाला हो गया आपका गलत, सेकेंड वन वाला भी हो गया आपका गलत, ठीक है। तो डी हमारा सही जवाब आ गया, आसान था, कर सकते थे, कॉमन सेंस का यूज करते। तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, सॉरी, आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन प्रोग्रामिंग इंटरफेस APIs, व्हाट डज इट इंप्लाई? अब भाई इतना कौन डिटेल में पढ़ता है, मान लो नहीं पढ़ा है, पढ़ा भी होता तो याद नहीं आता, इतना डिटेल में कौन पढ़ता है। अब नहीं पढ़ा है या फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस सवाल को कैसे करेंगे? तो पहली चीज ये है कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसका मतलब इसमें हमें पॉजिटिव कोनोटेशन खोजना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट खोजने हैं, ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट खोजने हैं। तो पहली चीज ये है, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन टू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखो यहां पे ये वाला फंड नहीं लगाना कि यहां पे एनी लिखा हुआ है तो गलत होगा, इसमें बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव वाला लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला इसलिए लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भाई एपीआई जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आराम से इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि काफी यूजर फ्रेंडली है, काफी सिटीजन फ्रेंडली है, ऐसा टाइप का इसको समझने की जरूरत है। तो ये हो गया। फिर ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आयरिस इज पॉसिबल, तो ये भी इसका पॉजिटिव चीज है कि भाई आयरिस का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन आप ऑथेंटिकेशन उसका कर सकते हैं आधार का, कि भाई जो यूजर, जैसे आपका जो फेस रिकॉग्निशन वाले कई मोबाइल फोन होते हैं, कुछ आयरिस रिकॉग्नाइज करते हैं आपकी जो भी है, ठीक है, तो उससे ऑथेंटिकेशन ये होता है कि जो यूजर है वो वही यूजर है जो उसका एक्चुअल मालिक है। तो बेसिकली ये भी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये भी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो सी हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो मैंने पहले भी बताया था कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को खोजने की जरूरत है, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को खोज के रखेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस आप देख सकते हो। इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इज इट पॉसिबल कि आपने आधार इतने डिटेल में पढ़ा हो? एक तो आधार पढ़ना हो गया, फिर आधार में एपीआई क्या होता है, एपीआई का क्या क्या यूज है, ये सारी चीजें इतना कौन पढ़ता है? दैट इज नॉट पॉसिबल, देयर इज अ लिमिटेशन टू आवर ब्रेन, ठीक है। आवर ब्रेन हैज सम काइंड ऑफ लिमिटेशन, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। इतना फिर प्रीलिम्स का तैयारी करते रह जाएंगे, कई साल गुजर जाएगा, कब मेंस और इंटरव्यू ये सब कब देंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है, थोड़ा सा समझदारी से करेंगे तो टाइम रहते हुए एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर वुड्स डिस्पैच, वेरी इंपॉर्टेंट। वुड्स डिस्पैच मैक्यूले मिनट्स पढ़ लेना,
मैकले मिनट्स क्या था और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी ये थोड़ा सा पढ़ लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. इट इज मैकले मिनट इज मैकले मिनट और ये जो है ये सारी एंजेलिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट जो कंट्रोवर्सी थी कि व्हाट शुड बी द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ लेंगे. एनीवेज तो अब तीनों स्टेटमेंट पढ़िए. ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, अब पता नहीं. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेड, पता नहीं. थर्ड बार देखते हैं, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड. एट ऑल लेवल्स पूछा है कि सारे लेवल पे, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर, पता नहीं क्या क्या, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर लेवल पे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की बात कही गई थी वुड्स डिस्पैच में. तो ये गलत होगा. अगर फैक्चुअल बात बताऊं तो प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में बात कही थी, ठीक है. मैकले मिनट्स ने तो इंग्लिश में एजुकेशन देने की बात की थी कि सारे लेवल पे इंग्लिश में एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन जो वुड्स डिस्पैच था उसने कहा था भाई प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए और बाकी सेकेंडरी और हायर लेवल पे जनरली हम इंग्लिश को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर सकते, ठीक है. तो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड, दैट इज रॉन्ग. तो अगर आप तीन को एलिमिनेट करोगे, देखो यूपीएससी सेट ही ऐसे करती है. यूपीएससी चाहती है कि अगर आप देखो, रटने की बात कभी भी नहीं कहती है वुड्स डिस्पैच, और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल रिकमेंडेशन वुड्स डिस्पैच की आई थी. तो अगर आपको ये पता है तब आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर लोगे और आपका सही जवाब आ जाएगा. यूपीएससी हमेशा चाहती है कि यू शुड नॉट बी नेगेटिवली रिवॉर्डेड फॉर योर स्टडीज, फॉर योर वर्क, फॉर योर हार्ड वर्क. एक तो एकदम ही कोई फालतू लड़का है वो इसको स्किप कर देगा, लेकिन एक ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसको, लेकिन सारी रिकमेंडेशन नहीं आती है, लेकिन ये रिकमेंडेशन आती है, ठीक है, बाकी नहीं आती है. तो अब वो गलत, कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत मार्क करके नेगेटिव मार्क्स आ जाए उसके. एक जो फालतू लड़का था उसके तो जीरो आए क्योंकि इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, और उसके भाई आप देखोगे कि 2 का 33% माइनस कर लीजिए, उतने कम हो गए, -0.66 हो गए नंबर, ठीक है. तो यूपीएससी ये नहीं चाहती है कि यू शुड बी नेगेटिवली पिनलाइज्ड, यू शुड बी नेगेटिवली रिवार्डेड फॉर योर वर्क. तो ये वाले अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो यू शुड बी एबल टू रीच टू एग्जैक्ट आंसर. इसी तरीके से ऑप्शन को सेट किया गया है, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही ध्यान लगा के ऑप्शन सेट किए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर. क्वेश्चन नंबर 27. In India, state government do not have the power to auction non-coal mines. Andhra Pradesh, Jharkhand do not have gold mines. Rajasthan has no ore mine, has iron ore mines. देखो, अब इसमें दो फंडे लगेंगे. फंडा वन ये है, In India, state government do not have power to auction coal mines. हमेशा याद रखिएगा कि यूपीएससी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरलिज्म या डिसेंट्रलाइजेशन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन सब चीजों को बढ़ावा देने की बात की जाती है. जनरली ये सारे जिसमें भी होंगे, ठीक है, जिस भी स्टेटमेंट में इस चीज के बारे में बात की जा रही होगी वो स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है. जिस भी स्टेटमेंट में इन सारी चीजों की बात की जा रही होगी वो स्टेटमेंट सही होगा. तो पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो ये क्या कह रहा है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को इम्पावर करने की बात कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है नॉन कोल माइंस, मतलब अगर नहीं भी पता है तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की पावर को ये बात कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है पावर अगर नॉन कोल कोई माइन है तो उसको ऑक्शन करने की, ठीक है. तो ये सही होगा. फिर अब दूसरा देखिए, अब पहला फंडा तो ये हो गया, अब फंडा नंबर टू देखते हैं.
फंडा नंबर अगर 2 देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि जितने भी ये मिनरल और ये सब सारी चीजें होती हैं उसमें चांसेस होते हैं कि वो होंगे, जैसे हमने शेल गैस के बारे में देखा था पिछले डिस्कशन में। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, भाई हो सकता है कल को मिल जाए, ऐसे दावे के साथ तो नहीं कह सकते कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस है ही नहीं। मिल सकती है गोल्ड माइंस, नहीं भी है तो भी ठीक है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, शेल गैस भी कहीं भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है। तो ये हो गया गलत। राजस्थान हैज ओर आयरन ओर माइंस, तो ये हो सकता है भाई, ठीक है ये हो सकता है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड हमारा सही हो गया, सी अपना राइट आंसर आ गया, सी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। माइंस की तो बात कर रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में वहां पे माइंस निकल जाए, आप दावे के साथ नहीं कह सकते ना कि भाई आंध्र प्रदेश और झारखंड में तो गोल्ड माइन है ही नहीं, कल को मिल जाए तो ठीक है। फिर राजस्थान में आयरन और माइंस है, मान लो अभी तक नहीं है लेकिन मिल सकती है, या हो भी सकती है, अभी ऑलरेडी भी हो, अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा राजस्थान, इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें आयरन और माइन कहीं भी हो सकती है, मिल सकती है, छोटा ही सही, ठीक है। तो ये चीज है, तो 1, 2 और 2 हो गया गलत, 1 हो गया सॉरी सी नहीं होगा इसका। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, तो फर्स्ट हो गया गलत, सेकंड हो गया गलत, तो डी इसका सही जवाब आएगा, ठीक है डी इसका सही जवाब आएगा, जस्ट मैंने गलती कर दी। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 28, चलो अब इसको सोचो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इसका मतलब सारे उसके एडवांटेजेस के बारे में बात की जाएगी, एडवांटेजेस के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को या किसी भी सरकारी संस्था के किसी भी काम को हमेशा उसके अच्छाइयों को दिखाता है। तो पहला है कि भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विदाउट अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, ठीक है क्या होगा इसका, ठीक है। तो भीम ऐप अलाउ यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विदाउट अ सॉरी विथ अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, तो सही है, आसानी है, ये बेसिकली पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर रहा है, पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर रहा है कि भीम ऐप से आप यूपीआई इनेबल्ड अगर उसको है तो एक यूजर को वो पैसे ट्रांसफर करने में सहायता करेगा, तो ये बेसिकली इसका पॉजिटिव एंगल है, ये इसका पॉजिटिव एंगल है, ठीक है तो कर सकते हैं आसानी से। तो फर्स्ट वन विल बी राइट, सेकेंड वाइल द चिप इन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है आप देखो यहां पे 4, अब ये भी देखिए चिप पिन डेबिट कार्ड 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है लेकिन भीम ऐप जो है कम सिक्योर है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भीम ऐप जो है, भीम ऐप इज लेस सिक्योर, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चीज में दिखा रहा है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को नेगेटिव चीज में दिखा रहा है, नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है कि भाई ये सिक्योर नहीं है भीम ऐप आपकी। चिप बेस्ड जो पिन कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, दे आर मोर सिक्योर, ठीक है तो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है तो दिस वन विल बी रॉन्ग, तो सेकंड वन विल बी रॉन्ग, ए अपना आंसर आ गया, बहुत आसान था, ठीक है आसान था बहुत। चलिए अगला और भी आसान है, क्या बताया था इसमें सोचो जरा, क्या बताया था इसमें, याद आ रहा है कुछ, मैंने बताया था क्या बताया था, हर कंट्री अपनी भाषा में अपने किसी भी मिसाइल हवाई जहाज ये सब का नाम रखती है, ठीक है अब ये जापानीज और कोरियन तो होगा नहीं, इंडिया का होगा नहीं क्योंकि आपने सुना हुआ है इंडिया भी जनरली हिंदी में नाम रखती है, ये वो अर्जुन अग्नि त्रिशूल नाग, ठीक है
ये सारी चीजें। इजरायली रडार सिस्टम, ठीक है, इजरायली भी जनरली आप देखोगे कि अपना हिब्रू में नाम रखते हैं, उसका कुछ इंग्लिश में नाम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आयरन डोम और ये सब है, ठीक है, लेकिन उसका एक ओरिजिनल नाम हिब्रू में भी होता है। एनीवेज, तो अब फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम एग्जैक्टली सी आंसर होगा, अभी जो कंफ्यूजन है वो ए या सी में से कोई हो सकती है। द अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, अब हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ठीक है, तो यहां से निकाल सकते भाई, या तो ब्रिटिश, ब्रिटिश होगा, अमेरिकन होगा, कोई ऐसा इंग्लिश नाम है तो जनरली किसी इसी टाइप की कंट्री का होगा, ठीक है। यहां पे कंफ्यूजन तब होती जब ये यहां पे ब्रिटेन और ब्रिटेन का नाम दे देता या इंडिया का नाम दे देता, सॉरी यूएस का नाम दे देता, या किसी ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग ऑस्ट्रेलिया का नाम दे देता, साउथ अफ्रीका का नाम दे देता, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती इंग्लिश स्पीकिंग अगर कंट्री का नाम होता तो, ठीक है, बट हियर इट्स नॉट द केस, ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं हमेशा ये कहता हूं, एक एडवाइस है कि बहुत दिमाग ना लगाया करो, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट। एक नाइव लॉजिक लगा के अगर आप अपने आंसर को करोगे, ठीक है, एक सिंपल लॉजिक लगा के अगर आप अपने आंसर को करने की कोशिश करोगे तो चीजें बहुत आसान रहेंगी, ठीक है। एक नाइव लॉजिक लगाने की बात मैं हमेशा कहता हूं। इसमें आप देखो, एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो क्या देखेगा, कई बार अगर मान लो कि आपने बहुत पढ़ लिया है तो एक बार कभी अगर क्वेश्चन में फंसो तो हमेशा ये सोचो कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता। क्वेश्चन कह रहा है कि द इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल जीएनपी, ठीक है, डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, ठीक है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, कि जीएनपी का असली मतलब कुछ नहीं होता है या जीएनपी का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, कब किस केस में हम कहेंगे कि जीएनपी देश की बढ़ रही है लेकिन उसका उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो सिंपल चीज है कि भाई अगर किसी देश का जीएनपी बढ़ रहा है लेकिन गरीबी और बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ रही है, ठीक है, जैसे अपने देश में हो रहा है अभी तिमाही में 20% पता नहीं कितना परसेंट बढ़ गया, लेकिन बेरोजगारी भी उतनी तेजी से बढ़ रही है और पॉवर्टी भी उतनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, तो जीएनपी का कोई फायदा नहीं हो रहा। एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाला क्या है, सीधा इस पे लगाएगा, सी पे लगाएगा, उसके उसने तो बहुत कुछ पढ़ा नहीं है कि भाई कैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट होगा, तो एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या होता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या है, ठीक है, फिर इंपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट कैसे कम होगा, ये सब इतना कॉम्प्लेक्स वो नहीं सोचता है कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इंपोर्ट घट रहा है, इंपोर्ट घट रहा है बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट घट रहा है तो ये सब में कैसे होगा। वो तो सिंपल लॉजिक लगाया कि भाई देश की जीडीपी या जीएनपी जो भी है बढ़ रही है लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है, कब कह सकते हैं कि जीएनपी बढ़ने का सच में कोई फायदा नहीं हो रहा, वो इस केस में कह सकते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी, द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन दैट कंट्री। आसान है, सिंपल लॉजिक, जितना सिंपल तरीके से सिंपल लॉजिक लगाओगे उतना सही होगा। हमेशा ये सोचना, सिंपल तरीके से सोचना, कभी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगा के किसी भी सवाल को सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा, गेटिंग इट, सिंपल लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सॉरी मैंने शायद एक क्वेश्चन बढ़ा दिया, यस, इसमें क्या फंडा लगेगा, इसमें फंडा लगेगा कि जनरली मैंने क्या बताया था, ब्रिटिश राज के समय के इनिशिएटिव या लॉ जो भी है उसको नेगेटिव लाइट में जनरली यूपीएससी दिखाती है,
जो स्टेटमेंट नेगेटिव होता है ब्रिटिश राज के इम्पैक्ट का, ब्रिटिश राज के इम्पैक्ट का जो स्टेटमेंट नेगेटिव होता है वो जनरली सही होता है। इसमें आप देखोगे कि ब्रिटिश राज के समय में इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, तो ये पॉजिटिव है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ये भी पॉजिटिव है। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया, जहां पे लोग गेहूं उगाते थे, चावल उगाते थे, वहां पे इंडिगो उगने लगा, कहीं पे चाय उगने लगी, रबर के प्लांटेशन आ गए, कैश्यू नट के प्लांटेशन आ गए, शुगर केन के प्लांटेशन आ गए, ठीक है, कॉटन उगने लगा। तो बेसिकली दे कमर्शलाइज इंडियन एग्रीकल्चर। और जो बंगाल फेमाइन हुई थी, डेट वॉज ड्यू टू दिस कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लोगों के पास खाना खाने के लिए नहीं था, लेकिन कपास उगाने के लिए जमीनें पड़ी हुई थी, ठीक है। जो लोग पहले इंडिगो सत्याग्रह में भी यही हुआ था कि वहां के किसानों को जबरदस्ती तीनकठिया सिस्टम के थ्रू जानबूझ के फोर्स किया जा रहा था कि वो चावल की जगह पर नील की खेती करें, इंडिगो की खेती करें, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, बहुत आसान है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड, कहां पर जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जीपीएस एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब इसका अनलिमिटेड पोटेंशियल, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल, इसका मतलब ये कुछ भी कर सकता है, तो मोबाइल फोन में इसका यूज हो सकता है, बैंकिंग ऑपरेशन में यूज होता है, हो सकता है पावर ग्रिड्स को कंट्रोल करने में यूज हो सकता है, कैसे हो सकता है पता नहीं, लेकिन हो सकता है, ठीक है। मोबाइल फोन में भाई जीपीएस का इस्तेमाल होता ही है, पहली चीज तो सही है, ठीक है। बैंकिंग ऑपरेशन में भी आप देखोगे जीपीएस का होगा, आप अपने कोई भी ऐप है, एक योनो करके एसबीआई का ऐप है, कभी कभी चलती है जनरली, भाग्य जैसे एटीएम, एसबीआई के एटीएम में आप जाएंगे और एसबीआई का आप ऐप यूज करेंगे तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। श्रद्धा होगी तभी उस एटीएम में पैसा मिलेगा, और श्रद्धा होगी तभी वो योनो ऐप खुलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। खैर, तो क्या है कि मोबाइल फोन ऑपरेशन और बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स। पावर ग्रिड को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी हो सकता है जीपीएस टेक्नोलॉजी से। भाई आप देख लोगे कितना डिस्ट्रीब्यूशन पावर का हो रहा है, कहीं पे लोड ज्यादा एक्सेस या कम तो नहीं हो रहा उस हिसाब से, या जैसे भी जो भी यूज करते हो जीपीएस का वो कर सकते हैं, पता नहीं कहां यूज करेंगे लेकिन कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इसका मतलब कि अमूमन उसके सारे ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने गलत कर दिया था व्हेन आई वाज गिविंग दिस अटेम्प्ट, ठीक है। तो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, अब सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन के बारे में पूछा गया है, तो अब इसमें आप देखो कि जब यूपीएससी, मैंने क्या बोला था कि जब यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है तो कोई सीरियस टॉपिक को लेकर सवाल बनाती है, ठीक है, या उसका जो सिलेबस है उसी के ऊपर सवाल बनाती है। उसमें आप देखोगे तो इस पे सवाल नहीं बनाएगा। सिक्स मास एक्सटिंक्शन का मतलब है कि भाई कोई वो साईफाई मूवी चले, कोई मेटियोर टकरा जाएगा और धरती खत्म हो जाएगी, या वापस से फिर से डायनासोर आ जाएंगे और सारे इंसानों को खा जाएंगे और सारी वनस्पतियां और बाकी के जीव जंतु खा जाएंगे, ठीक है, या कोई बहुत ऐसी बीमारी फैल जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई साईफाई मूवी जैसा नहीं होगा। जो डी वाला ऑप्शन है कि मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो इसकी वजह से सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन आएगा, यानी कि धरती से फिर से धरती लाइफलेस हो जाएगी, सारी लाइफ धरती से समाप्त हो जाएगी। इससे पहले भी धरती के साथ ऐसा कई बार हो चुका है, पांच बार ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है।
इसकी वजह से आएगा। बाकी के भी हैं, ये सब नहीं है कि एक मिटराइट टकरा जाएगा जिसकी वजह से खत्म हो जाएगा, या जीएम क्रॉप उगाने से धरती समाप्त हो जाएगी, ये सब सारी चीजें नहीं होंगी। आप सिंसियर तरीके से ऑप्शन को पढ़ोगे तो जवाब आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा सिंसियर तरीके से पढ़ने की जरूरत है। मैंने बताया था कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान, क्योंकि उसमें उतनी ही इंफॉर्मेशन छुपी होती है, उतने ही ट्रेजर हंट करना पड़ता है। एक एक वर्ड को उठाओगे, तोलोगे और शब्दों को ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पहला है इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अब पता नहीं है क्या है, छोड़ देते हैं। इट अमॉन्ग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। इसमें कौन सा फंड लगेगा? ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें खोजने हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, पढ़ के क्या लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है कि बाकी चीजों के अलावा इस स्कीम के थ्रू हम सॉफ्ट स्किल भी सिखाएंगे, बात करना, लीडरशिप, मैनेजमेंट, फेंकना, पकड़ना, ये सारी चीजें, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी। तो ये क्या है? दिस इज अ पॉजिटिव लाइट, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट। सेकेंड, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन। इट एम्स टू अलाइन कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स, जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है उसको हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में ला सकें, यानी कि यह भी पॉजिटिव। तो 2 और 3 दोनों सही हो गया, इसका मतलब ए और बी हट जाएगा, अब सी और डी में से कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसमें से आप अपने हिसाब से, अपने जैसा मैंने बताया था, जरूरत के हिसाब से इसमें अपना रिस्क खेल सकते हैं, चांस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। कौन सा फंडा लगेगा, कोई बताएगा कौन सा फंडा लगेगा? इसमें लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सैंड माइनिंग क्या है? सैंड माइनिंग एक नेगेटिव चीज है, तो बुरी चीज का हमेशा बुरा दुष्प्रभाव, अ बैड थिंग ऑलवेज यील्ड बैड रिजल्ट्स। तो सैंड माइनिंग नेगेटिव चीज है, तो डिक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ द रिवर, कि नदी की का खारापन कम होगा, ये क्या है? पॉजिटिव चीज हो गई। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये नेगेटिव है। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव चीज का नेगेटिव असर होगा, ठीक है। इसका मतलब बी विल बी आवर राइट आंसर, सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी आवर राइट आंसर। आसान था, कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे, बहुत आसान था। तो कॉमन सेंस में क्या कहता हूं कि अगर कॉमन सेंस का यूज करोगे, थोड़ा सा आइडिया रहेगा, तो ये पेपर निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे ही परेशान होते रहोगे और इधर उधर दौड़ते रहोगे, हजारों लाखों सवाल सॉल्व करते रहोगे, खूब सारी टेस्ट सीरीज लगाते रहोगे, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इस पेपर को सॉल्व करने का एप्टीट्यूड नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुतुमुर्ग की तरह रेत में सर गाड़ के तैयारी कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है किधर तैयारी जा रही, तो किधर भी चली जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो 16 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए एंड वी आर एक्चुअली डूइंग रीजनेबली वेल, ठीक है, रीजनेबली वेल तो है अभी तक। इतने साल के पेपर मैंने सॉल्व करके दिखाया, जो भी फंडा बताया वो लग रहा है और कंसिस्टेंटली लग रहा है। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच अभी चौथा लगभग कम से कम सवाल होगा जैसे मैंने दिखाया भी है, प्रूफ करके बताया भी है,
पिछले साल के जितने भी डिस्कशन किए लगभग ऐसा चौथा पांचवा सवाल होगा ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच से जो सॉल्व किया हमने। अभी एक और सवाल आएगा इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। कोई बुरी चीज है तो उसका बुरा नतीजा, ठीक है, सैंड माइनिंग बुरी चीज है तो उसका बुरा नतीजा, ठीक है, इसमें फिर बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जो बुरी चीज होगी उसका बुरा नतीजा ही निकलेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो इसमें भी यही चीज लगेगी, सेम फंडा। विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए है, अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक तो है कि ड्रास्टिकली रिड्यूसेस, तो इसके माध्यम से भी आप कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो ये है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है, एक अच्छी चीज है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये नेगेटिव चीज है। हर मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए तभी वो अच्छे तरीके से वेजिटेशन को सस्टेन कर सकती है। जैसे रेत है, रेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ नहीं होती, इसी वजह से उसमें पेड़ पौधे उगाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आप देखोगे जितना ही क्ले, ठीक है, जितना ही क्ले जो है सैंड बड़ा पार्ट, सिल्ट उससे छोटा, और क्ले और छोटा, तो बेसिकली सैंड ही धीरे धीरे घिसते घिसते और महीन होते होते क्ले बनता है। तो जो मिट्टी क्ले होती है जिसमें क्ले का कंटेंट ज्यादा होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी और ज्यादा बढ़ती है। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ब्लैक जो सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, इसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। सैंडी सॉइल में आपका ये ज्यादा सैंड ज्यादा होता है बेसिकली, ठीक है। एनीवेज, तो ऑर्गेनिक मैटर अच्छी चीज होती है, इसका मतलब इसका जो इंपैक्ट है अच्छा होगा, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम नहीं करेगा, बेसिकली किसी चीज की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव चीज का नेगेटिव असर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर दूसरा, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। अब एनी रोल, कोई रोल अदा ही नहीं करती है मिट्टी सल्फर साइकिल में, तो डेट इज नॉट राइट। आप देखोगे सल्फर बेसिकली क्या होता है कि रॉक में सल्फर होता है, तो बारिश के पानी के साथ ये जो सल्फर है वो डिजोल्व होके आता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सल्फर साइकिल, जितनी भी पोटेशियम फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी साइकिल्स आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए। तो अब क्या होता है, ये सल्फर पत्थरों से होते हुए मिट्टी में आ जाता है, फिर मिट्टी में आने के बाद ये पौधे के अंदर जड़ों से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अब पेड़ के अंदर सल्फर है, इसलिए आप कोई भी लकड़ी, कोई भी पत्ता जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। यही जो लकड़ी है वह बाद में जाके कोयला बनती है, कोयला आप जलाओगे तो यहां से सल्फर निकलेगा, कोयला जलाओगे तो भी सल्फर निकलेगा। फिर इसी पत्तों को जीव जंतु खाते हैं, तो इसके थ्रू जो है ये सल्फर जो है वो जानवरों के अंदर पहुंचता है, फिर यही जानवर जब मिट्टी में दब जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में दब जाते हैं, और फिर कई हजारों साल, लाखों साल बाद जब ये पेट्रोल या डीजल या गैस बन जाते हैं, तो है क्या, जो पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे कोई भी गैस जनरली है, जनरली गैस तो नहीं बोलेंगे, पेट्रोल या डीजल में भी आप देखोगे कि उसकी बर्निंग और इन सब चीजों से भी कई बार सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन की बात होती है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल में भी सल्फर पाया जाता है, तो ये सल्फर कहां से आया, यहीं से आया, ठीक है, ये सल्फर यहीं से आया। जो वेल और बड़ी मछलियां पानी के अंदर दब गई जिनका, और पेट्रोल या डीजल बन गई, पेट्रोलियम बन गई, तो वहां पे भी तो यही था, वही सल्फर मिट्टी, ये समुद्र के की सतह पे जो सल्फर था वो पानी में डिजोल्व था, उसी पानी से वो वहां की जो पेड़ पौधे थे, छोटे छोटे जो मरीन प्लांट प्लैंकटन्स होते हैं उसके अंदर आया, उसको मछलियों ने खाया, मछली के अंदर सल्फर गया, फिर वही मछली जमीन के अंदर दब गई, फिर पेट्रोल बन गई, तो पेट्रोल के अंदर सल्फर आ गया, कॉमन सेंस है। तो सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, ये गलत है, फर्स्ट वन वाला गलत हो गया, सेकंड वन भी गलत हो गया, ठीक है, फर्स्ट वन गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, तो थ्री हमारा ऑप्शन आ गया।
इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सेलेनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड, कि किसी जमीन पर आप बहुत सालों तक, कई लंबे समय तक अगर आप इरिगेशन करेंगे तो वहां पे सैलिनिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। जादू बताया था, मान लो मिट्टी है, खेत है आपका, खेत में खूब सारा आपने पानी डाला, ठीक है, फिर पानी जो है भाप बन के कुछ समय बाद उड़ गया। कुछ समय बाद क्या होगा, आपकी जो खेत की मिट्टी है उसके ऊपर एक सतह जम जाएगी सॉल्ट की एक लेयर जम जाएगी, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट पैन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्योर करने का तरीका है जिप्सम यूज करना, जिप्सम सॉइल की सैलिनिटी को क्योर करने का। और एसिडिटी को क्योर करने का तरीका क्या है? एसिडिटी को क्योर करने का तरीका है लाइम यूज करना, चूना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, थ्री प्रिंटिंग क्या है? ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, अनलिमिटेड पोटेंशियल, यानी में कि कुछ भी कर सकता है, के बी के एस एच। कॉन्फेक्शनरी आइटम, हाँ, टॉफी बिस्कुट बना सकते हैं, कान वान बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, सर्जरी वर्जरी कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, फिर डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में भी यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है ये नहीं पता, लेकिन हो सकता है। तो डी इज आवर राइट आंसर, ठीक है, आसान था। अब ये मैंने बताया, अब मैंने क्या बताया, इसमें कौन सा फंडा लगेगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई इज प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज? इस एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक्स। बी, इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज। सी, इट एक्सट्रैक्ट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड। एंड डी, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या लगेगा, मैं क्या बोलता हूं, इसमें फंडा यह लगेगा कि यूपीएससी जनरली अपने सिलेबस से सवाल पूछती है, और कुछ उसके कोर टॉपिक्स हैं, उसी से सवाल पूछती है, कोर टॉपिक्स, ठीक है। तो जैसे हमने पिछली बार एक क्वेश्चन देखा था नेट मीटरिंग का, तो नेट मीटरिंग का जो जवाब होगा वो सोलर पावर से होगा, ना कि घरों में मीटर, पानी का मीटर, इससे रिलेटेड सवाल होगा। तो इसमें जो है ये जूलीफ्लोरा पूछा है, तो कॉस्मेटिक्स ऑटोमेटिक्स के बारे में नहीं पूछेगा कि इसका लिपस्टिक और ये बना सकते हैं, और मुंह पे मस्कारा बना सकते हैं, और आईलाइनर और पता नहीं क्या क्या बना सकते, ठीक है। फिर ये पेस्टिसाइड के नहीं होगा। इसमें सबसे सीरियस टॉपिक क्या है, सबसे कोर टॉपिक क्या है यूपीएससी का, कि भाई इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज। बेसिकली दिस इज एलियन स्पीसी, और इसको कह सकते हैं इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है। ऑल इन्वेसिव स्पीसीज आर बेसिकली एलियन, बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। एलियन स्पीसीज का मतलब उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है वहां पर। थोड़ा बहुत आपने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, वो सब तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, अदरवाइज इट विल बिकम अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है। इन्वेजिव स्पीसी कुछ भी हो, एलियन स्पीसी कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो गुलाब इज एलियन स्पीसीज इन इंडिया। डहलिया, गुलाब जो है यूरोप से आया था, डहलिया अगर आप देखोगे तो मैक्सिको से आया था। दीज आर द फ्लावर, बट दे आर नॉट इन्वेजिव, दे आर एक्सॉटिक स्पीसी और दे आर एलियन स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसी वो है कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, ठीक है, इन्वेजिव उसको बोलते हैं।
कई कई जगहों पर स्टारफिश, कैटफिश, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में सुना होगा कि वहां पे चूहों का आतंक बहुत फैल गया है, रैबिट्स और चूहों का आतंक। इंडिया में आप देखोगे तो पिजन हो गया, वो भी एक तरीके से इन्वेजिव स्पीसी है, ठीक है। फिर कैरेट ग्रास आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी एक तरीके की इन्वेजिव स्पीसी है, जिसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। वो जब PL480, आई थिंक PL480 नाम था, जिसके थ्रू हम लोग उधर मांगते थे उधर पैसा खाने को, जब देश आज़ाद हुआ था तो यूएस से ये जब गेहूं और ये सब इंपोर्ट हुआ था, तो उसके साथ उस जंगली घास के बीज भी आ गए थे देश में, जिसकी वजह से वो चारों तरफ फैल गए। तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, इसलिए उसको इन फेमस तरीके से कांग्रेस या कांग्रेस ग्रास भी कहते, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैंने बताया था कि जब भी ऐसे खूब सारे लाइन वाले ऐसे क्वेश्चन देखना तो एक ही गुत्थी ऐसी होगी, ठीक है, एक ही गुत्थी ऐसी होगी जिसको खोलते ही पूरी गांठ खुल जाएगी, पूरी रस्सी सुलझ जाएगी, पूरी पूरा रहस्य खुल जाएगा उस क्वेश्चन का। तो दैट इज इफ यू लाइक लुक एट द ऑप्शंस, एरिका नट, बाले, कॉफी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सीसमम, टर्मरिक, ठीक है। इसमें देर विल बी ओनली वन ऑप्शन इफ वी आर एबल टू एलिमिनेट दैट ऑप्शन। अगर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें तो वी विल बी एबल टू रीच टू द राइट कॉन्क्लूजन, कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी डूएबल, ठीक है। तो पढ़ो, सबको कॉमन सेंस लगाओ। जैसे हमने 2013 का क्वेश्चन डिस्कस किया था ई वेस्ट वाला, तो उसमें एक ई वेस्ट में क्या था, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम कि इसको एलिमिनेट किया था, पूरा क्वेश्चन आ गया था प्लूटोनियम को एलिमिनेट करते ही। वैसे यहां पर आप देखोगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो एमएसपी की बात की गई है, तो कॉफी, कॉफी बेसिकली अमीर किसान यूज करते हैं, कॉफी जो है अमीर किसान यूज करते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में हीरोइन का जो बाप होता है जनरली वो कॉफी प्लांटेशन यूज करता है, मदन चोपड़ा जैसे लोग, ठीक है, या टेक्सटाइल मिल का मालिक होता है, या प्लांटेशन का मालिक होता है ऐसा। तो छोटे किसान तो कॉफी की जरूरत नहीं है, छोटे किसान तो कॉफी उगाते नहीं है, और छोटे किसान जब नहीं उगाते हैं तो कॉफी को जनरली एमएसपी की जरूरत नहीं है। कॉफी, द प्राइस ऑफ कॉफी जनरली डिटरमाइंड बाय सप्लाई डिमांड, इट्स अ मार्केट फोर्सेस विच डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कॉफी, इट्स नॉट द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, हु इज इन द ऑब्लिगेशन ऑफ सपोर्टिंग दिस कॉफी प्रोडक्शन एंड कॉफी ग्रोइंग फार्मर्स। तो ये हट जाएगा, थर्ड वन वाला जैसे ही हटाओगे तो अब देखना आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अब क्या है कि बहुत सारे क्या करेंगे लोग, YouTube चैनल खोल देंगे और दिन भर उधर एमएसपी रटा रहे हैं बच्चों को। यार इस क्वेश्चन का मकसद यूपीएससी का ये नहीं था कि आप एमएसपी की सारी फसलों को रट के बैठे, यूपीएससी का ये मतलब था कि भाई थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज कर सकें, यू आर एबल टू अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड दैट्स वॉट एक्चुअली यूपीएससी इज लुकिंग फॉर। वो ये नहीं चाहते कि आप बैठ के यू आर जस्ट मगोफाइंग ऑल द क्रॉप्स विच इज अंडर एमएसपी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, विच ऑफ द एबव स्प्रेड प्लांट डिजीजेस। थोड़ा सा अब वही मैं कहता हूं यार, पढ़ के कैसे निकलेगा आप बताओ ना, कौन सी किताब में ये होता है, कौन सी किताब में जनरली दिया होता है कि इस तरीके से प्लांट की डिजीजेस फैल सकती हैं, ठीक है, जनरली नहीं दिया होता है, यहां पे कॉमन सेंस यूज करना होगा। तो आप देख सकते हो कि भाई अगर धूल के बहने से, धूल बहेगी हवा से, यानी कि दो और चार दोनों सही होगा, ठीक है, तो ये हट जाएंगे दोनों। फिर जब हवा से कोई बीमारी फैल सकती है तो बारिश के पानी से भी फैल सकती है, हवा से अगर बीमारी फैल सकती है तो बारिश का पानी भी उस बीमारी से फैलेगा, फिर दूसरे प्लांट तक जाएगा उसे फैलेगी, दो तीन चार, तो तीनों ही सही है। जब तीनों ही सही है तो कोई ऑप्शन दो तीन चार तो है नहीं, फिर बचा डी, ठीक है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। या तो अगर ये ऐसे नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से ये कर सकते कि भाई
किसी भी तरीके से प्लांट की बीमारी फैल सकती है। हो सकता है आज तक नहीं फैली हो किसी चिड़िया से प्लांट की बीमारी, लेकिन कल को फ्यूचर में फैल सकती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, इट इज नॉट सर्टेन, साइंटिफिकली प्रूवन तो है नहीं कि चिड़िया से एक पौधे से दूसरी बीमारी पौधे तक नहीं जाएगी। हो सकता है कोई बीमारी अभी तक जो डिस्कवर नहीं है, हो सकता है कल को डिस्कवर हो जाए कोई जो चिड़िया से फैलती हो। ठीक है, जैसे चमगादड़ से कोरोना फैल सकता है, तो चिड़िया से पौधे की बीमारी फैल सकती है एक पौधे से दूसरे पौधे तक। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, दैट्स क्वाइट पॉसिबल, राइट? सो ऑल द ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन will be right, ठीक है? All the options will be right in this question. A, B, C, D, 1, 2, 3 and 4. D will be our right answer, ठीक है? तो this was about a 2018 paper discussion, ठीक है? 2019 का paper हम discuss करेंगे। और एक और चीज़ ये बता दूँ, पहली चीज़ तो याद रखना कि वो playlist देख लेना, प्लेलिस्ट देख लेना, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा और कमेंट में भी हम पिन करके रखेंगे, पिन कर देंगे, ठीक है? सेकंड चीज़ ये याद रखनी है कि 2020 पेपर का जो डिस्कशन है, डिस्कशन एंड अलोंग विथ रिसर्च डॉक्यूमेंट ऑन PYQ will try to have a very nominal, कोशिश करेंगे कि अगर फ्री में ही दे दें, लेकिन अगर नहीं हो पाता है because we have to allocate resources for it, very nominal registration fee, ठीक है? कोई subscription या ऐसा कुछ नहीं है, very nominal registration fee, we'll try to have it, ठीक है? अभी certain नहीं है, we haven't decided yet, हो सकता है कि if it is possible तो free में दे दे, but जनरली वी डोंट वॉन्ट कि भाई सबके हाथ में लगे, कुछ लोग जो दोज आर रियली सिंसियर अबाउट इट एंड दोज आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट, तो उनके पास लगे तो वो कर लेना, एंड द लिंक एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, वो सब कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। 2019 का लेक्चर देखेंगे, फिर 2020 का, और उसके अलावा फिर एक तीसरा काम बचता है PYQ के डॉक्यूमेंट का। तो तीन चीज़ें अभी और रहती हैं, उसको हम खत्म कर लेंगे। तो आज फ्राइडे है एंड टुमारो इज सैटरडे, मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे सैटरडे तक कल मैं 19 और 20 खत्म कर दूंगा, 19 खत्म कर दूंगा, 20 एंड PYQ का जो है वो हम एक पोर्टल पे है उस पर अपलोड करना शुरू कर देंगे ईयर बाई ईयर, ताकि आप एक एक करके उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सके। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।